नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रतीक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपना इंडिया रेलवे की एक नए वीडियो में। तो देखिए, विशेष ट्राइबल कॉरिडोर बनाने से बांसवाड़ा में भी रेल की छुक छुक भाई होने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जो है सांसद डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा जी मिले हैं। विशेष ट्राइबल कॉरिडोर बनाना की मांग की है अहमदाबाद बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर रेलवे लाइन पर कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया है। तो केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार एक विशेष ट्राइबल कॉरिडोर जो है बनाकर अहमदाबाद बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर रेलवे लाइन का कार्य जो है शुरू कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस ब्रॉडगेज मार्ग पर रेल आवागमन होने से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का बड़ा जनजाति इसका जो है लाभान्वित होगा। रेल मंत्री वैष्णव ने सांसद कटारा और उनके साथ गए वागड़ के प्रतिनिधि मंडल को जो है भरोसा भी दिया है कि आपका लंबा और बहुप्रतीक्षित इंतजार श्री घी पूरा होगा, भारत सरकार इस कार्य को जो है करवाएगी। रेल मंत्री ने खुद जो है दोस्तों यहां पर अपने व्यक्त किया है कि तीन प्रदेशों की आदिवासी अंचलों को जोड़ने वाले से बांसवाड़ा जिले में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी रेल का आवागमन नहीं हुआ है। उनको खुद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खेद भी है। उन्होंने कहा कि सांसद ने पिछले कई दशकों में शून्य काल के नियम 377 तथा आरक्षित प्रश्नों के माध्यम से इस मांग को लगातार जो है उठाया जा रहा है, पर जैसा कि सांसद के पटल पर अगर जवाब दूँ तो राजस्थान की दो रेल बड़ी परियोजनाएँ दोस्तों जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम और टोक घोच का बांसवाड़ा बारवाड़ सवाई माधवपुर का काम रुकने का प्रमुख कारण राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना लागत में 50-50 की जो भागीदारी होती है इससे इनकार करना, क्योंकि भारत सरकार ने राजस्थान की दो रेल बड़ी परियोजनाएं दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना जो कि 188.85 किलोमीटर की रेल लाइन है, वहीं टोक चौक का बारवा जो कि सवाई माधवपुर से दोस्तों माधवपुर के बीच में जो कि 165 किलोमीटर नई रेलवे लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा 50-50 फीसदी की भागीदारी के हिसाब में शुरू करना था, पर कालांतर में प्रदेश सरकार का परियोजना की लागत को साझा करने के लिए इनकार करना और यही जो बड़े कारण थे कि इन दोनों परियोजना का अभी तक जो है दोस्तों कुछ भी जो है नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को वर्ष 2011 में ही मंजूर जो है करवा दिया गया था, राज्य सरकार को इसके लिए निःशुल्क भूमि का मुहैया जो है कराया जाना था, लेकिन राजस्थान सरकार ने बाद में परियोजना की लागत से अपनी भागीदारी के लिए दोस्तों अपनी असमर्थता जो है जारी कर दी। रेल मंत्रालय ने इस रेल लाइन का अध्ययन भी जो है करवाया था जिसके अनुसार भूमि की लागत को छोड़ने का जो खर्च था और वर्ष 2020 में इस परियोजना की जो लागत थी बढ़कर 4,262 करोड़ रुपये जो है आंकी गई। रेल मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से परियोजना को विशेष प्रयोजन वाहन मतलब SSB अथवा राज्य संयुक्त उद्यम JP के माध्यम से क्रियान्वित करने और परियोजना को व्यवहारिक कराने के लिए निशुल्क भूमि प्रदान करने की संभावनाओं को जो है तलाशने का अनुरोध भी जो है इनको द्वारा किया गया, पर राजस्थान सरकार परियोजनाओं की लागत को साझा करने के। अगर मैं कनकमल कटारा जी की बात करूं तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करें इस मुद्दे पर और केंद्र सरकार के द्वारा 100% राशि जो है इस परियोजना के लिए देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना जो कि महत्वाकांक्षी इस परियोजना को पुनः जो है शुरू करवाना चाहिए। साथ ही में उन्होंने डूंगरपुर मुंबई के मध्य में सीधी रेल की मांग भी जो है उनके द्वारा कर दी गई है। और साथ ही में दिनेश खोड़निया जो कि NICC सदस्य है, उनका कहना था कि रेल मंत्री का जो बयान है सफेद झूठ है, राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में ही अपने हिस्से की 1250 करोड़ जो कि राशि थी रेल मंत्रालय में जमा करा के रखे गए, जिसमें दोनों जिलों में ब्रिज बनाने भूमि अधिग्रहण का कुछ रुपया किसानों को मिल भी गया था। अब यहाँ पर चुनाव को देखा जा रहा है जिसकी वजह से दोस्तों जनता को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों काफ़ी लंबे 9 साल से वागड़ में रेल को जो है याद नहीं आया और यहाँ पर लंबे समय के बाद जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश में तो रेल प्रोजेक्ट का 100% खर्च करके केंद्र सरकार ये फिर कार्य को करवा रही, तो यहाँ पर पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार क्यों नहीं उठाती है, तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आरोप भी लगाया। फिलहाल ये चीज़ें देखने वाली बात रहेगी कि इस पर कितना कार्य होता है। फिलहाल धन्यवाद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीबॉडी।